हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। एयरलाइन में रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे 1045 वैकेंसीज भी निकल के आया है। एयर इंडिया में रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एयर इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 में। आज इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए जो पोस्ट निकल के आया है, वो है केबिन क्रू। एंड केबिन क्रू के अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 12 पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ एयर इंडिया में, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, एयर इंडिया में फिर से निकल के आया है बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट, जिसमें केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ दोनों के ही रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ में दोनों की पोजीशन निकल के आया है, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो। 1200 वैकेंसी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, एंड जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो वो कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन आपको करना होगा, एंड एप्लीकेशन करने के लिए एयर इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते उसका एज लिमिट कुछ इस तरह से किया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते उसका एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स तक के एज रिडक्शन एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर। बट यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी यहाँ पे एज रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 18 से 27 ईयर इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ीस की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस या कुछ भी यहाँ पे लगेगा। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस या कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फ्रेशली पास आउट फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड, देन डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगा। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात किया जाए, 12th पास जो है मिनिमम यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम 12th पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। केबिन क्रू के लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही इजी है। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो केबिन क्रू के लिए सिलेक्शन प्रोसेस ओनली ऑन इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो है ये जो जॉब है आपको मिल सकता है। यानी यहाँ पे इसके साथ साथ आप लोगों को ये बात भी बता देता हूँ, अगर आप केबिन क्रू के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाइड करना होगा। दोनों या तीन स्टेप में जो है आपका इंटरव्यू सेशन होने वाला है। आपको पूरा जो है यहाँ पे इंटरव्यू में क्वालिफाई करना होगा, दोनों तीन जो स्टेप है उसको। एंड उसके बाद जो है अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिज़िकल टेस्ट या फिज़िकल जो एक टेस्ट किया जाएगा, एक सिंपल फिज़िकल टेस्ट, अगर आप फिट है तो इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये एक भी एक बहुत बढ़िया अपडेट है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे क्लियरली ये भी बात मेंशन किया गया है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी आपको 40 से 45,000 तक की सैलरी भी दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा खासा सैलरी है। तो यही था आज की अपडेट। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।